मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा आज भी राज्य एवं देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज जयपाल सिंह जी का 118वां जयंती दिवस है। निश्चित रूप से हम सभी उनके आदर्शों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरी ओर से आज के इनकी जयंती दिवस पर चाईबासा के मक्कम हाथू में विधायक दीपक बिरुवा ने की बैठक। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्या को भी सुना। वहीं विधायक के आगमन पर ग्रामीणों ने जताया आभार। रोहतास में ओवरलोडेड ट्रक ने महिला पुलिसकर्मी के गाड़ी को मारी टक्कर। बाल बाल बची SHO अनंता कुमारी। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर हुआ फरार। दाहिने से ट्रैक ओवरलोडिंग आ रही थी और उसके बाद आने के बाद एकदम बहुत पीछे से मेरी गाड़ी को ढकेलते आगे तक ले आया। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पेट्रोल पंप कारोबारी की हत्या में संलिप्त 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोचस में पिछले माह 16 तारीख को एक पेट्रोल पंप संचालक के बैंक में पैसा जमा करने के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शूटर्स से आइडेंटिफाई हुए तो बक्सर जिला के तीनों वहां निकले। वहां के बक्सर SP साहब से भी सहयोग मांगा था। बक्सर SP साहब भी लगे और उन्होंने अपनी टीम लगाकर 3 क्रिमिनल्स को वहां पर गिरफ्तार किया। गोपालगंज में विदाई समारोह का किया गया आयोजन। DM अरशद अजीज, SP मनोज कुमार तिवारी और DDC सज्जन आर को दिया गया विदाई। इस दौरान जिले के सभी विभागों के अधिकारी और थानाध्यक्ष हुए मौजूद। सीतामढ़ी में स्कूलों को खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग जुटा तैयारियों में। इस दौरान जीविका दीदियों ने बच्चों के लिए तैयार किए 2,28,000 मास्क। रोजगार का निकाला नायाब तरीका। नालंदा की बेटी अर्पणा ने जिले को किया गौरवान्वित। अर्पणा ने केदारकंठ की 12,500 फीट ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। मसौड़ी में बाइकर्स गैंग का आतंक जारी। दहशत फैलाने की नीयत से आए दिन किसी न किसी इलाके में कर रहे हैं हवाई फायरिंग। वहीं पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कर रही छापेमारी। गोपालगंज में अपराधियों ने की धारदार हथियार से किसान की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी हुए फरार। वहीं मामले में सदर SDPO नरेश पासवान ने कहा कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। जमशेदपुर के पोटगा प्रखंड अंतर्गत जूड़ी पंचायत के नुआ ग्राम से गंगा डी जाने वाले बाईपास रास्ते का मिट्टी मुरम रोड हुआ बदहाल। 10 साल पहले सड़क के निर्माण में लगे मजदूरों को अब तक भी नहीं मिली मजदूरी। जमशेदपुर के पुटका उत्क्रमित उच्च विद्यालय जहातू में मरांग गुरु सोसाइटी एवं टीम संघर्ष परिवार के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन। इस दौरान सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भी किया रक्तदान। लातेहार पहुंचे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मोंगर गांव में रात्रि चौपाल का किया आयोजन। इस दौरान वो गांव वालों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को भी सुना। वहीं मौके पर सैकड़ों की संख्या में भी लोग मौजूद दिखे। विद्वान नेता और हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा के जयंती समारोह पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित कई अन्य नेताओं ने खूंटी में जयपाल सिंह मुंडा की समाधि स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सावित्रीबाई फूले की 171वीं जयंती पर रांची के हरमू स्थित राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यालय में उनकी जयंती मनाई गई। इस दौरान राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 जनवरी को प्रथम महिला शिक्षिका दिवस के रूप में घोषित करने की मांग की। सरायकेला के टाटा मुख्य मार्ग पर दुगनी में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे के बाद मृतकों के घर में पसरा मातम। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड के चौकेगरिया मैदान में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन जीप उपाध्यक्ष अशोक शाह और कांग्रेस लेबर सेल के अध्यक्ष कल्याण चंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। सरायकेला के आदित्यपुर के लोगों ने दीप्ति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। ग्रामीणों ने कहा कि आवासीय परिसर का निर्माण 48 महीने के अंदर करना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ तैयार परिसर। आवासीय परिसर सरायकेला में भारतीय तीरंदाजी संघ के ऑनलाइन एफिलिएशन पोर्टल का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी सह सरायकेला खरसावा जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष मीरा मुंडा पूर्व IAS अधिकारी JV तुबीद भी रहे मौजूद। वहीं जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ी एकता साहू परिवार ने आदिम जनजाति सबर परिवार के लोगों को बांटे कंबल। वहीं कपड़ा और खाद्य सामग्री का भी किया गया वितरण। लखीसराय पुलिस लाइन में DIG मनु महाराज को दी गई भव्य विदाई। इस दौरान तमाम पुलिस कर्मियों ने माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर उन्हें विदाई दी।